फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस यूज़र्स के लिए बेसिकली तो नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है जो अभी भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हैं। तो जो टॉपिक है वो है हाउ टू बाय एंड सेल राइट इन ज़ेरोधा। तो ज़ेरोधा इसीलिए है बेसिकली क्योंकि ज़ेरोधा उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं, क्योंकि बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, सब कुछ क्लिक पे ही आपको मिल जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो भी न्यू यू नो ट्रेडर्स हैं वो अगर किसी और के साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली करा सकते हैं, बट एक ज़ेरोधा का अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए ताकि आपको इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग सीखने में आपको बहुत जो है इजी हो जाएगा। और अगर आप ओपन नहीं भी कराना चाहते हैं तो आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेशन में कोई ऐसा है जो ज़ेरोधा का अकाउंट यूज़ कर रहा है फॉर द टेस्टिंग पर्पज़, अगर आप उसका यूज़ करना चाहें तो आप उसका इनिशियल लेवल पे यूज़ करके ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जो है काइट ओपन करेंगे, क्योंकि यही ऑनलाइन इंटरफेस है जिसके थ्रू आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो kite.zerodha.com जो है इसका URL है। अब यहाँ से आप, मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप यहाँ से जिसको भी आप बाय या सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप येस बैंक को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली येस बैंक आप लिख देंगे और जैसे ही आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये है, यहाँ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बाय करने के लिए सिंपली जैसे ही आप यहाँ लेके जाते हैं बाय सेल का कर्सर आ जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बाय करना है तो आप सिंपली बाय क्लिक कीजिए। बाय क्लिक करते ही देखिए आपको ये फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अब आपको सिंपली जो है, मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा है कि बाय येस बैंक क्वांटिटी 1। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 क्वांटिटी कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका 5 क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये आपको कंफर्म कर देता है कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप बाय करने जा रहे हैं येस बैंक की 5 क्वांटिटी राइट। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर ये आ जाता है कि आप जो है आपका टारगेट क्या है बेसिकली। येस, आप कोई भी शेयर को या किसी भी जो है आप लोट को जब आप बाय करेंगे तो आपके पास देखिए दो टारगेट होते हैं। एक टारगेट ये होता है कि आप उस शेयर को खरीद के या उसको बेच देंगे, यानी कि आज ही आप एक दिन में ही प्रॉफिट बुक करेंगे जितने टाइम का भी जो है पूरा ट्रेडिंग सेशन है। दूसरा आपका टारगेट होता है कि आपने बाय तो किया मगर जब भी आपका मन करेगा तभी आप सेल करेंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जब आपका मन करेगा, आपके पास चीज़ है, जब आपका मन करेगा प्रॉफिट में या लॉस में आप उसको सेल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो MIS का जो ऑप्शन है वो है इंट्राडे का, यानी कि एक दिन का। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता है, यानी कि जिस प्राइज़ में आपको जो चीज़ 10 आ रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आप अगर मार्केट में गए तो मार्केट में आप गए सेब लेने, आपने सेब वाले से पूछा कि भैया जो है 100 रुपये में कितने सेब आएंगे, तो उसने बोला 100 रुपये में 20 सेब आएंगे राइट। तो अगर आप उसको बोलोगे पर मैं जो है सेब जो है अगर मैं एक दिन के लिए ख़रीदूँगा तो कितने में दोगे, तो वो बोलेगा कि सर अगर आप एक दिन में ख़रीदेंगे तो मैं आपको जो है 40 सेब दे दूंगा। तो सेम यहाँ पर ये है कि कंपनी आपको एक्स्ट्रा लेवरेज देती है, यानी कि सेम चीज़ सेम पैसों में आपको ज़्यादा मिल जाती है। वही CNC जो है वो रेगुलर है कि आपको जो उसका रेगुलर जो प्राइस है उसी प्राइस में आपको जो है नॉर्मली मिलता है, मगर MIS में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वही आपको कंपनी एक्स्ट्रा लेवरेज देती है, सेम अमाउंट के अंदर आपको ज़्यादा क्वांटिटी जो है स्टॉक की मिल जाती है। नुकसान आपका ये रहता है कि अगर आपने मान लीजिए किसी शेयर को बाय किया और वो उस दिन पूरे दिन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा तो आपको लॉस हो जाएगा। हो सकता है अगले दिन वो शेयर जो है नीचे जाने के बाद काफ़ी ऊपर अगले दिन आ जाए और उससे अगले दिन और ऊपर आ जाए, पर फिर भी आपको प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने एक दिन की पोजीशन जो है ली थी, आप एक दिन की पोजीशन के अंदर लॉस बुक करके बाहर आ चुके हैं। CNC की अगर हम बात करें तो अगर आपका टारगेट है कि आप जो है कैश एंड कैरी को आगे फॉरवर्ड करें, यानी कि जो है स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में डाल के रखें, जब भी आपका मन करेगा तब आप उसको बेचेंगे,
राइट, तो सीएनसी का मतलब ये है। अब सीएनसी में भी फ़ायदा और नुकसान दोनों है। फ़ायदा फ्रेंड्स ये है कि जब आपका मन करेगा तब आप उसको बेच सकते हैं, जब आपको जो है प्रॉफिट लगेगा तभी आप उसको जो है बेच सकते हैं, चाहे वो एक साल बाद बेचिए, दो साल बाद बेचिए, या दो दिन बाद या दो घंटे बाद। अब नुकसान इसमें ये है कि ये आपका पूरा पैसा लेता है, जितने का भी स्टॉक का मार्केट प्राइस है ये आपका पूरा जो है मार्जिन को ब्लॉक कर देता है, और आपका पूरा जो मार्जिन जो है ब्लॉक हो जाता है जब तक कि आप इसमें प्रॉफिट जो है या फिर लॉस बुक नहीं करते। अब अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक मार्केट का ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो मार्केट ऑप्शन का मतलब ये है कि आप जो है मान लीजिए अभी आपने यहाँ पर एक क्वांटिटी ली है, अगर मैं बाय पे क्लिक करूँगा, राइट, अगर मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो सिंपली इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा, जो कि जैसे यहाँ लिखा है 58.15, तो मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट में जो भी नियर बाय प्राइस चल रहा होगा मेरी एक क्वांटिटी उसके ऊपर बाय कर दी जाए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा लिमिट, उसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, या फिर आप सोच रहे हैं कि अभी जो है मैं एक ऑर्डर लगा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक जो 57 रुपीज़ में मैं इसको ख़रीदूँ, तो आप 57 रुपीज़ में इसका एक ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। जब भी अगर रेट 57 रुपीज़ आया तो जो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मगर अगर पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर 57 रुपीज़ जो है प्राइस नहीं आया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दोबारा से जो है नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा अगर आपको बाय करना है तो। अब अगले ऑर्डर की बात करें, इसका है नाम स्टॉप लॉस। तो देखिए स्टॉप लॉस में कुछ चेंज नहीं होता लिमिट और स्टॉप लॉस में। अब देखिए आपने जैसे लिमिट से मैंने जब स्टॉप लॉस बोला किया तो सिर्फ ये सेक्शन जो है आपका हाईलाइट हो गया है। इसका सिंपली मतलब यही है कि SL के अंदर यहाँ पर आप वो प्राइस डालेंगे जिसका जिस पे आपको जो है बाय या सेल करना है, और यहाँ ट्रिगर प्राइस में वो प्राइस डलेगा जो आपका स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है फ्रेंड्स, अब स्टॉप लॉस होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर लगाई कि मैं एक चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ 57 रुपये में, मगर अगर मान लीजिए 57 रुपये में आप उस चीज़ को ख़रीद तो लिया आपने, मगर अगर इनके 57 रुपये से वो जो है 55 रुपये में 55 रुपये उसका प्राइस चला गया, तो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर उसका रेट 55 रुपये चला जाता है तो मेरा ऑर्डर मेरा यानी कि लॉस यानी कि मेरा 3 रुपये का लॉस होके मैं मार्केट से बाहर आ जाऊँ और मैं और लॉस ना लूँ। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि किसी भी चांस एनी चांस अगर कोई प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है और प्राइस जो है नीचे 55 रुपये चला जाता है तो आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप 3 रुपये का लॉस लेके मार्केट से बाहर आ जाएंगे। अगर प्राइस और नीचे गया तो आप जो है और लॉस लेने की जो है नहीं ले पाएंगे, आप पहले ही मार्केट से बाहर आ जाएंगे। अब अगला जो SLM है गाइस, उसका सीधा मतलब यही है कि जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसी के ऊपर आपका बाय हो जाए और स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर दें कि अभी जैसे मान लीजिए मैंने SLM किया तो अगर मैं बाय करता हूँ तो ये 58 रुपीज़ 15 पैसे के अंदर जो है ये बाय हो जाएगा जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, और इसी का स्टॉप लॉस जो होगा वो 55 रुपीज़ होगा। अब चाहे ये 3 रुपये का डिफरेंस हो चाहे 5 रुपये का डिफरेंस हो, जो भी हम स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे करंट प्राइस से वो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब डिस्क्लोज क्वांटिटी में गाइज आप 10% तक डिस्क्लोज अपनी क्वांटिटी कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है क्योंकि हम सब स्मॉल ट्रेडर्स हैं। ये उन लोगों के लिए फैक्टर्स करता है जो 1000, 1200, 200, 500 क्वांटिटीज़ एक साथ बाय या सेल करते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी अगर आप देखते हैं अगर क्वांटिटी सेक्शन में मार्केट डेप्थ में अगर बहुत सारी क्वांटिटीज़ एक ही जगह लगी हुई है तो उसका सिंपल मतलब यही होता है कि मार्केट यहाँ पर अगर यहाँ उस प्राइस को मार्केट ने क्रॉस किया तो मार्केट में एकदम से फ्लक्चुएशन 4 से 5 रुपये की या 10 रुपये की हो सकती है। अब अगर हम मोर ऑप्शन की तरफ जाएं, अगर हम मोर ऑप्शन पे देखें तो गाइस यहाँ पर देखिए जो है ये तो आपके थे कि आप किस कैसे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मार्केट ऑर्डर से या फिर आप जिस मनचाही जो है प्राइस पे आप अपना चाहते हैं, और ये स्टॉप लॉस के लिए था कि आप अपना एक लॉस डिफाइन कर रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए यहाँ रेगुलर ऑर्डर और डे लगा हुआ है। अब इस रेगुलर का मतलब ये है कि कोई चेंज नहीं, मतलब रेगुलर नॉर्मल ऑर्डर टाइप, मतलब आपने किसी चीज़ को ख़रीदा, वो जो आपने किसी चीज़ को ख़रीदा, राइट, अब चाहे वो करंट प्राइस पे हो
चाहे आपने जो डिफाइन प्राइस किया उस पर, मगर वो नॉर्मल है राइट। और ये डे होता है कि एक दिन के लिए, मतलब अगर आज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको अगले दिन नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये होता है ब्रैकेट ऑर्डर। अब ब्रैकेट ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ये होता है, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आप एक ऑर्डर हैं राइट, यानी कि आप एक ऑर्डर हैं, मतलब आप किसी ने एक ऑर्डर लगाया कि किसी ने एक ऑर्डर लगाया। देखिए मान लीजिए प्राइस का जो चल रहा है 58 रुपीज़ 15 पैसे राइट। अब आप चाहते हैं कि अगर ये 55 रुपीज़ में मतलब 55 रुपीज़ में अगर इसका प्राइस आए तो मैं इसको ख़रीद लूँ, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा तकरीबन 53 रुपीज़। अगर प्राइस इससे भी नीचे गया, 55 से नीचे चला गया 53 रुपीज़, तो मैं 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाऊँगा, मतलब 2 रुपये लेके बाहर आ जाऊँगा। और यहाँ पर आपने डाल दिया 60 रुपीज़, यानी कि अगर प्राइस 60 रुपये जाएगा, ये सबसे पहले ये ट्रिगर होगा। अगर ये ट्रिगर हुआ, यानी कि ये अगर एग्जीक्यूट हुआ, तभी ये दोनों जो है एग्जीक्यूट होंगे। अगर यही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये दोनों भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपने 55 पे डाला और प्राइस 55 पे चला गया, तो यानी कि ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही ये दोनों ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे और जो है एक्सचेंज में चले जाएंगे। यानी कि अब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दो ही चीज़ें होंगी, या तो प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर नीचे गया, अगर 53 तक गया, तो आपका जो है 2 रुपये का लॉस बुक होके आप बाहर आ जाएंगे, और अगर ऊपर 60 तक इसने टच किया तो 5 रुपये का प्रॉफिट लेके आप मार्केट से बाहर आ जाएंगे राइट। इसको बोलते हैं हम कवर ऑर्डर, कि जिसमें कि प्राइस के दोनों साइड आपका एक ऑर्डर लग जाता है, आपके स्टॉप लॉस को भी डिफाइन कर देता है और आपके प्रॉफिट को भी डिफाइन कर देता है। अब अगला जो है वो है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर में आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों साइड कवर हो जाता है, इस कवर ऑर्डर के अंदर जो आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस जो है, वही स्टॉप लॉस जो है वही आपका जो है कवर होता है राइट। ये आपके लॉस को ही कवर करता है, प्रॉफिट जो है आपका ओपन होता है। इसमें प्रॉफिट आप कितना भी ले सकते हैं और आपको खुद ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, यानी कि लॉस में चाहे प्रॉफिट में जब भी आप चाहेंगे आपको खुद मैन्युअली अपने हाथ से जो है अपनी प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा। इसमें ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ जो है एसएल को ही, स्टॉप लॉस को ही कवर किया है, डिफाइन किया है, प्रॉफिट इसमें नहीं होता। आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, ये प्री मार्केट सेशन जो होता है उसमें आप जो है अपना एक ऑर्डर लगा सकते हैं। जब मार्केट ओपन होती है प्री मार्केट सेशन के बाद में, अगर प्राइस वहाँ से ऊपर या नीचे जाता है तो उस हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज ये थी पूरी बाय विंडो। अब अगर मैं यहाँ से देखिए टॉगल करता हूँ, यहाँ पर तो हेल्प है, इसके अलावा सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ टॉगल पे, तो ये सेल विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन वही होते हैं गाइज, बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शंस होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता राइट। बस आपको यहाँ से बाय और सेल पे जो है क्लिक करना है, जो भी आपको करना है राइट। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ नहीं बचता जो आपको बाय और सेल में आपको समझने की ज़रूरत है राइट। तो होप आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी से संतुष्टि होगी, आप सेटिस्फाइड होंगे राइट, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं राइट। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के कमेंट पर रिप्लाई करने की राइट। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।